नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार, उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग प्रेजेंट हैं CISF कोलानगर धनबाद में, और हमारे साथ कुछ स्टूडेंट लोग हैं जो कि आपको SSC GD का मेडिकल के बारे में विस्तार पूर्वक कंप्लीट जानकारी देंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का लगातार सवाल आ रहा था कि सर, हम लोगों को जो मेडिकल की जो प्रक्रिया होगी वो किस प्रकार से आगे बढ़ेगी, और समय रहते हम लोगों को किन प्रकार की तैयारियों को करना चाहिए। उसके बाद मेरिट के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं पिछले साल के स्टूडेंट्स के साथ। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन, आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारियाँ कर रहे हैं, चाहे रेलवे, बैंकिंग, SSC, आप टेस्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक प्रिंट किया मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करिए। हमारा कूपन कोड है उमंग10, इसको आप अप्लाई करेंगे, आपको पूरा का पूरा 39 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। आपने देखा होगा हम लोगों ने बहुत सारे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स का इंटरव्यू किया है, सभी कैंडिडेट्स ने कहा है किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए मॉक टेस्ट का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जो भी स्टूडेंट परचेज करना चाहते हैं आसानी से परचेज कर सकते हैं। ओके, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए। मैं रविशंकर कुमार जी। मैं कहाँ से? धनबाद से हैं फिर बाहर से? मैं धनबाद का रहने वाला हूँ जी। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि अभी SSC GD की दौड़ चल रही है और कुछ दिनों के बाद मेडिकल भी होगी और उसके बाद फाइनल मेरिट आएगा। सबसे पहले ये बताइए कि आपका जो पिछले साल का एक्सपीरियंस रहा वो कैसा रहा और कहाँ तक आप पहुँच पाए? मैं पिछले साल रनिंग कंप्लीट करके मेडिकल तक पहुंच पाया, मेरिट में 0.25 से मेरिट नहीं बन लग नहीं पाया जी। तो अगला सवाल आपसे ये है कि अभी जो भी स्टूडेंट्स दौड़ कर रहे हैं, एक निश्चित समय के बाद इनका जो है सो कि वो मतलब कि मेडिकल होगा ही होगा, ठीक है? तो उनका मेडिकल होगा, तो अभी ये बताइए कि अभी से स्टूडेंट्स को मेडिकल को लेकर के क्या कुछ वो तैयारियां कर सकते हैं ताकि मेडिकल में उनको हेल्प हो, या फिर उनके बस की बात कुछ भी नहीं है, उनको सब कुछ समय के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि जब मेडिकल होगा तब देखा जाएगा। तो अभी एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? अभी फ़िलहाल जो स्टूडेंट जितने भी परीक्षार्थी सिलेक्टेड हुए हैं उनको अभी फिलहाल सब चीज़ से वंचित हो जाना चाहिए। पहले मेडिकल पर फोकस करना चाहिए, गाड़ी उड़ी थोड़ा कम चलाना चाहिए, घूमना फिरना कम चलाना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हल्का सा फ्रैक्चर वगैरह कुछ भी हो जाता है उसमें मेडिकल अनफिट हो जाएंगे। हाँ, और सब अभी से ही नौकरी उकनी के लिए है, सब जो हल्का फुल्का माइनर वाला थोड़ा अभी ठीक हो सकता है, मगर पूरा तरीका से ये अति नहीं हो सकता। तो आप मुझे ये बताइए कि आपका जो मेडिकल हुआ था वो कब हुआ था और कहाँ हुआ था? मेरा मेडिकल ITBP कैंप रांची में हुआ था। हाँ, और अक्टूबर में था ना यार, जनवरी में हुआ था, जनवरी 2020 में। हाँ, 24 जनवरी को अक्टूबर जो 24 जनवरी को ITBP कैंप रांची में हुआ था, जो सबसे बढ़िया ही मेडिकल लेते हैं ITBP वाले, कि सब चीज़ में थोड़ा सा बत्ती करते हैं, मतलब विद्यार्थियों के साथ कोऑपरेट करते हैं, कोऑपरेट बहुत ही ज़्यादा करते हैं जी। तो आप मुझे ये बताइए कि जो मेडिकल की जो प्रक्रिया होती है वो कितने दिनों में कंप्लीट होती है? एक दिन लगता है या फिर उसमें मल्टीपल डेज लगते हैं? ये सब पर टेबल पर डिपेंड करता है। मेरा टेबल में 2 दिन में कंप्लीट हो गया था, कोई टेबल में 3 दिन भी लग 3 दिन लग रहे थे, कोई टेबल में 2.5 दिन लग रहे थे। अच्छा, तो मेरा टेबल में 2 दिन में कंप्लीट कर दिया गया। हाँ हाँ, रात में रात 8 बजे 9 बजे लमसम में हम लोग सर्टिफिकेट दे दिए थे सिलेक्टेड का जी। तो आप मुझे ये बताइए कि जो आप लोग का ITBP कैंप रांची में जो मेडिकल हुआ था, मैं चाहता हूँ उसका स्टेप बाय स्टेप आप प्रक्रिया बताएं कि रिपोर्टिंग टाइम से लेकर के आपको मेडिकल फिट मिलने तक का जो सर्टिफिकेट तक की जो प्रक्रिया थी उसको स्टेप बाय स्टेप बताएं, ताकि यदि अगर भविष्य में कोई विद्यार्थी ITBP कैंप रांची जाता है मेडिकल को लेकर के, तो उसके मन में किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना हो, किसी प्रकार का कोई नर्वसनेस ना हो, उसके सामने चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो कि हाँ, इस तरीके से पिछले बार चीज़ें आगे बढ़ी थी तो इस बार भी संभावना है कि इस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ेगी। तो मैं चाहता हूँ स्टेप बाय स्टेप बताएं एकदम। सबसे पहले जितना भी डॉक्यूमेंट्स फॉर्म के टाइम में दिए हैं पूरा डॉक्यूमेंट्स को कम्प्लीट कर लेना है। तो आप, मैं चाहता हूँ यहाँ पे थोड़ा डॉक्यूमेंट का वो लिस्ट बता दीजिए कि आपको क्या क्या लगा था। जैसे कि जैसे जो जनरल वाले हैं उनको डोमिसाइल लगता है, जो झारखंड डाले हैं उस डोमिसाइल अपना दिखाएंगे। हाँ, 10th 12th जो हिसाब से फॉर्म भरे हैं, जैसे कोई 10th पर भरते हैं, कोई 12th का भरते हैं, कोई BA पर भरते हैं, जो हिसाब से फॉर्म भरते हैं उससे आपके टोटल डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ते हैं, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, डेट ऑफ बर्थ भी मिलाना होता है कि आप उनका एज बढ़ गया एज घटा हुआ है, फिर ST के लिए एनेक्जर लागू होते हैं जो फॉर्मेट में जातीय वासी अभी जो चल रहे हैं, पहला प्रोसेस यही है। उसके बाद से हम लोग का टेबल में डिपेंड करता है, उसके बाद से हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद हम लोग तुरंत एक हॉस्पिटल ले गए थे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में कितने घंटे का समय लग जाता है लगभग? टोटल एक स्टूडेंट पे कम से कम 20 मिनट लेते थे। अच्छा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो आपका रिपोर्टिंग टाइम क्या था?
मैं रिपोर्टिंग टाइम 7 बजे था। आप 7 बजे रिपोर्ट कर दिए थे? हाँ, 7 बजे रिपोर्ट कर दिया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कितने बजे तक कंप्लीट हो गया था? 8 बजे तक रिपोर्ट, 8 बजे तक डॉक्यूमेंट वाला काम कंप्लीट हो गया था। फिर 8 बजे के बाद क्या हुआ था? 8 बजे बाद टेबल पर डिपेंड करता है, मैं टेबल हुआ तो हम पहले हम लोग को पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के फिर हम लोग रांची कहीं ले गए थे। अच्छा, वहाँ मेडिकल करवाए थे, चेस्ट उस्ट रानी हॉस्पिटल ले गए थे। तो वो हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल होता है या प्राइवेट हॉस्पिटल? प्राइवेट हॉस्पिटल था। अच्छा, वहाँ चेस्ट उस्ट ब्लड व्लड यूरिन सब चेक किए थे। हाँ, तो बस हाँ, उसके बाद वहाँ से लेके फिर हम लोग आइस चेक हुआ, वहाँ से निकलने, वहाँ इतना चेक करके फिर वहाँ कितना बजे तक रहे थे आप लोग? वहाँ पे हम लोग रह गए थे कम से कम 1-2 बजे तक रह गए थे। तो उस दौरान लंच वगैरह कुछ? कुछ नहीं, लंच वगैरह कुछ नहीं था। बगल में कैंटीन था, ITBP वाले जितने भी सर थे सब बोलते थे कि जाके आप लोग खा सकते हैं कैंटीन में अपना। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए कि मतलब कि जब आप लोग का DV हुआ, फिर ये वाला जो प्रक्रिया हुआ, तो जो आप लोग मूव किए थे वो मूवमेंट कैसे हुआ था? आप लोग खुद से किए थे या ITBP की गाड़ी लेके गई थी? ITBP वाले गाड़ी थे कि गाड़ी में सब बैठाते थे, ले जाते थे। हाँ, और उसमें फिर वहाँ पर रानी हॉस्पिटल जाते थे, वहीं पर सब चीज़ मैनेजमेंट सब करते थे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पर चेकअप वेकअप किए, फिर जस्ट उसके बाद हम लोग कैंप पहुँचे, कैंप में फिर आई चेक हुआ, फिर इसके बाद रीडिंग बुक था, पेपर पढ़ता पढ़ाया गया हम लोग को कि पढ़ के बताइए क्या लिखा हुआ क्या नहीं लिखा हुआ है। हाँ, जो सूद पढ़ लेते थे क्वालिफाइड थे, जो सूद नहीं पढ़ पाते थे अनक्वालिफाइड थे, उनको फिर से दूसरा जो दिया जाता था पढ़ने के लिए। उसके बाद आई चेक होने के बाद फिर एंगल उंगल चेक किया गया, फिर नौकनी उकनी, फिर आपका क्या मसल्स उसल्स भी चेक किया, जो मसल्स का पिछले जो नस निकला हो रहा था उसको भी देखा गया। अच्छा, उसका जो नहीं है उसको अच्छी कर दिया गया। तो पहला दिन आपको कितने बजे छोड़ा गया? पहला दिन हम लोग का 8 बजे ही छोड़ा गया था, 8 बजे रात में। तो रानी हॉस्पिटल के बाद फिर आप लोग कहाँ गए थे? रानी हॉस्पिटल ITBP कैंप आए थे वापस। वापस कितने बजे आ गए थे कैंप? कैंप में हम लोग 2 बजे आ गए थे दोपहर में। हाँ, दोपहर में 2 बजे के। फिर कैंप में 2 बजे के बाद क्या हुआ था? 2 बजे के बाद फिर आई चेक हुआ था, ये सब चेक हुआ था हम लोग का, मतलब ITBP का हॉस्पिटल में। मतलब जो चीजें ITBP के हॉस्पिटल में नहीं होता उसके लिए वो लोग बाहर लेके जाते हैं, बाहर ले गए थे। और जो चीज उनके यहाँ होता है वो खुद कर लेते हैं। हाँ, खुद कर लेते हैं। अच्छा, तो उसके बाद फिर अगले दिन के लिए आपको क्या कहा गया? अगला दिन फिर हम लोग 7 बजे रिपोर्टिंग टाइम दिया गया। हाँ, फिर 7 बजे जो BP हो गया, कान हो गया, सब चेक में, फिर आपका हाइड्रोसील हो गया, फिर नौकनी हो गया, फिर हम लोग बाबा सिर बोलते हुए भी चेक किया गया, सब A to Z चेक किए थे। अच्छा, हाँ, उसके बाद फिर मार्कशीट बना दिए थे, सब रिजल्ट विजल्ट बना के हम लोग को रात 8 बजे ही सेकंड टाइम में लोग छोड़े थे। तो ये बताइए, टेबल का जो अलॉटमेंट होता है वो किस हिसाब से होता है, मतलब किस विद्यार्थी को कौन सा टेबल मिलेगा? टेबल का अलॉटमेंट होता है रोल नंबर वाइज होता है कि कौन रोल नंबर कितना सेलेक्शन हुआ, बाहर में लगा हुआ रहता है ये टेबल में इतना से इतना रोल नंबर वाला है, इतना से इतना रोल नंबर ये टेबल में जाएंगे। अच्छा, तो कितने विद्यार्थी लोग मेडिकल में गए थे और कितने लोग फिट हुए, कितने लोग रिजेक्ट हुए? मेरा बैच में टोटल 50 विद्यार्थी थे। हाँ, जिसमें से हम लोग ITBP में मात्र 5 ही सिलेक्टेड हुए थे मेडिकल में। 50 में से मात्र 5 ही सिलेक्टेड हुए थे। जो हम लोग टेबल नंबर 1 थे उनका डॉक्टर थोड़ा बहुत ही हार्ड ले रहे थे। अच्छा, और सब अगल बगल टेबल वाला में समझे 27, 28, 30, 35 सिलेक्टेड हो रहे थे। अच्छा, टेबल पर डिपेंड कर रहे थे। मैं ITBP जैसा मेडिकल और कहीं नहीं होता हो, जितना कोऑपरेट करते हैं वहाँ के लोग। अच्छा, तो अगले दिन जब सुबह 7 बजे आप रिपोर्ट किए, तो फिर वहाँ पे कितने मतलब कि बजे तक का समय लगा आपको? वहाँ पे टोटल 2 बजे तक कंप्लीट हो गए थे। हाँ, पेपर पर हम लोग का मेडिकल कंप्लीट करके फिर रात में फिर अंदर में कैंटीन में खाना खाए, उसके बाद हम लोग को रात में ही दिया गया। जब भी कहा कि चेस्ट एक्सरे पेपर पर जब तक नहीं आता है तब तक रिजल्ट नहीं सुनाया जाता है। अच्छा, रात 8 बजे तक हम लोग कंप्लीट कर दिए थे। हाँ, तो आप मुझे ये बताइए कि आपको किसी तरह की कोई परेशानी हुई? हमें कुछ प्रकार की परेशानी नहीं हुई, हम माइंड फ्री हो गए थे, माइंड हर चीज़ में हम माइंड फ्री बहाली से ले, कुछ चीज़ में भी अपना पूरा दिमाग क्लियर कट ले लिए। आपके साथी घर को किसी तरह कोई परेशानी, जो भी आपके साथी घर आपके साथ गए थे? कोई नहीं, किन्हीं को नहीं हुआ था कोई परेशानी। अच्छा, तो आप मेरिट में मात्र क्या बोले, कहीं डॉक्यूमेंट्स अपना कंप्लीट रखेंगे कहीं तो कोई दिक्कत नहीं होगा? डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट रहने पर सोचा वहाँ के लोग बोलते कि बाद में आइएगा, मेडिकल डेट वहाँ के बहुत प्रेफर दे रहे थे कि आज पेपर नहीं लाएंगे तो 2 दिन बाद आइए, 2 दिन बाद ही आपका मेडिकल हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो मेरिट में आप 0.25 से मात्र छट गए। क्या लगता है इस बार का मेरिट कितना जा सकता है? इस बार का मेरिट अगला के मुताबिक बहुत ही कम जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर इस बार इसलिए कि नेगेटिव मार्क्स था इस बार, अगला बार नेगेटिव मार्क्स नहीं था। हाँ, इस चलते इस बार थोड़ा कम जाएगा। अच्छा, मेरिट
तो आपको एक प्रेडिक्शन करने के लिए कहा जाए तो आप कितना प्रेडिक्शन करेंगे? हम सबको उत्साह ही कर सकते हैं, बता ही सकते हैं, सब ना करेंगे। मतलब एक अनुमान लगाने के लिए आपको कहा जाए तो इस बार का आप अनुमान कितना लगाएंगे? इस बार जो एक अनुमान लगाया जाएगा तो इसमें हमारे जिनका एक नंबर भी ज्यादा होगा उनका 110% सिलेक्टेड होंगे। अच्छा, कट ऑफ से एक नंबर भी ज्यादा है तो इस बार 110% सिलेक्टेड होंगे। अच्छा, इसमें मतलब किंतु परंतु वाली कोई बात नहीं, कहीं से कोई बात नहीं है। ठीक है, इस बार के जो भी विद्यार्थीगण दौड़ पूरी कर चुके हैं, वैसे विद्यार्थियों को और कोई फाइनल मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं अपना तरफ से हम लोगों को हार्दिक स्वागत करना चाहते हैं कि ये लोग अपना जो मेहनत किए हैं, अपना पूरा मेहनत ही दिखाए यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया किए हैं ये लोग, उज्ज्वल भविष्य के लिए हम भी कामना करते हैं। तो इस बार आप दौड़ में पार्टिसिपेट नहीं किए? हाँ, इस बार नहीं किए। क्यों? इस बार हम लोग एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुए। अच्छा, इस चलते नहीं को। तो पिछले बार आप क्वालिफाई किए जबकि आपकी तैयारियां पिछले बार की पूरी थी, इस बार आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो क्या लगता है क्या कारण रहा इस बार आप क्वालिफाई नहीं कर पाए? क्वालिफाई करने का कारण रहा क्योंकि मैं बीएड कर रहा था, बीएड का ही चलते मैं बीएड चलते ही इधर ध्यान नहीं दिया, ज़्यादा फोकस कर रही था। हाँ, तो अब आप आगे डिफेंस लाइन में, मतलब आपके पास चांस बचा? मेरा चांस है डिफेंस लाइन में, हमको डिफेंस लाइन में जाना भी है, मेरा सोच भी डिफेंस लाइन का ही है, मैं उसके लिए अभी भी तत्प्रिय हैं। अच्छा, तो एक फाइनल क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे कि मेडिकल जब भी स्टूडेंट्स का होगा, पिछले बार तो कहा जा रहा था कि अगस्त में स्टार्ट हुआ था तो जनवरी चला गया था, लगभग 5 महीने का समय लगा था, इस बार क्या लगता है कितने महीने में मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा? 1 महीने के अंदर में ही स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि दौड़ जिस हिसाब से दौड़ का डेट जल्दी निकाल दिया, 1 महीने के अंदर ही प्रोसेस कर देंगे मेरे ख्याल से, जब दौड़ कम्प्लीट होगी 1 महीने में पूरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके पूरा कम्प्लीट कर देंगे। ठीक है, और कोई फाइनल मैसेज? और कोई फाइनल मैसेज नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने आपके सामने मेडिकल का कंप्लीट एक्सपीरियंस रखा। यदि अगर इसके बाद भी आपका किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करिएगा इस वीडियो में, इनका हमारे पास पर्सनल नंबर है, हम लोग कोशिश करेंगे आपके सारे सवालों को जवाब देने का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।